वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल वाला रक्षाबंधन मेकअप लुक, जो बहुत ही इजी एंड बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट में आपके साथ हो जाएगा, मींस आप कर पाओगे। एंड बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट हैं, तो आप ज़रूर इसे पूरा देखिएगा। बिल्कुल भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किए हैं, बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। तो मैं इसी तरह के वीडियोस बिगिनर्स के लिए बनाती रहती हूँ, तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो ज़रूर 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे बताइए आपको किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, अपने फेस को वॉश कर लिया है। एंड नाउ सबसे पहले मैं अपने एक हेयर स्टाइल के लिए स्टार्टिंग का पफ बना लूँगी, जिस मुझे एक नॉर्मल हेयर रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक रक्षाबंधन है तो ज़्यादा मैंने इसमें हेवी हेयर स्टाइल नहीं की है। हेवी हेयर स्टाइल्स के साथ के भी लुक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पे अपनी फ्लिक्स निकाल के रख दी है, तो अभी मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। एंड नाउ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रोज़ का टोनर फ्रॉम द एल्प्स गुडनेस, बहुत ही अच्छा टोनर है एंड बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। तो इसे हमेशा आप डैप करके ऐसे दबा के अपने स्किन पे एब्जॉर्ब कर लीजिए, बिकॉज टोनर आपके फेस को बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है। नाउ यहाँ पे मैंने कोकोनट क्रीम ली है, फेस क्रीम ली है गुड वाइब्स की, जो बहुत ही अच्छी है एंड स्पेशली इट इज़ वेरी गुड फॉर द ड्राई स्किन, बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है तो कोकोनट में जो नरिशमेंट होता है वो बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है एंड आपका बेस मेकअप बहुत अच्छा क्रिएट करके देता है। तो इस काइंड ऑफ आप अपना बेस बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, आपका फेस जो है, आपका मेकअप जो है वो केकी ना बने और बहुत उसमें लाइंस नहीं आए, तो इसके लिए बहुत ही इजी है ये स्टेप। सबसे बाद उसके बाद मैं अभी यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ पॉन्स की बीबी क्रीम, जो हम लोग नो फाउंडेशन नो मेकअप लुक आज कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है ये मेकअप जब हम लोग इसको पॉन्स बीबी क्रीम के साथ करते हैं, बिकॉज ये ब्लेंड करने के लिए भी बहुत ईजी होता है एंड फटाफट हम इसको कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी इसमें प्राइमर बेस्ड होता है, तो ये हम लोग इसको आराम से फटाफट के फंक्शंस के लिए हम लोग इसमें रेडी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिसको मैंने फुल स्क्वीज आउट कर लिया है विद द एक्सेस ऑफ वाटर, मैंने कोई भी इसमें वाटर नहीं रखा है। जब तक पूरा निचड़ ना जाए पानी, तब तक हमें इसको स्क्वीज आउट करना है एंड डैब 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 करते हुए ही आपको, ऐसे रगड़ना नहीं है, डैब डैब करके ही आपको अपने स्किन में इसको फाउंडेशन को या फिर आपका जो बीबी क्रीम है इसको उसी में अब्जॉर्ब करवाना है। इसी हिसाब से आपको अपने पूरे फेस को इसको डैबिंग मोशन में इसको कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं अभी जो मेरी डार्क जो स्किन है, नेचुरल स्किन एंड जहाँ पे मैंने बीबी क्रीम लगाई है उसमें बहुत फ़र्क लग रहा है, बट ये नेचुरल लग रहा है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा है, ये बहुत ही नेचुरल लग रहा है, बिकॉज इसको हम जिस तरह से जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही ये बहुत ईजी होता है एंड अच्छा लगता है, फेक नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वाइटिश नहीं लगता। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अगर हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर इज़ द बेस्ट वन टू ब्लेंड, बिकॉज बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, फिंगर से भी हो जाता है बट ब्यूटी ब्लेंडर इज़ द बेस्ट वन। नाउ इसके बाद मैंने लैक्मे की रोज़ पाउडर ली है अपने फेस पे सेटिंग करने के लिए। नाउ पाउडर से ही मैं कॉन्टोर शेप्स लगा लूँगी अपने फेस पे, बिकॉज हम लोग कोई कॉन्टोरिंग वगैरह तो आज हम लोग नहीं करेंगे, बट विद द बेकिंग प्रोसेस हम लोग कॉन्टोर का एक प्रोसेस करेंगे, जिससे क्या होता है जो आपने क्रीम बीबी क्रीम लगाई है उसके साथ वो इफेक्ट है वो अच्छे से आ जाता है एंड अच्छा कॉन्टोर दिखता है एक्चुअली आपका फेस। तो अभी यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का जो ब्लश है वो लिया है इन द शेड नंबर 2 एंड उसको ही एज एन आई शेडो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज लाइक आज मैं कोई आई शेडो पैलेट यूज़ करना मैंने सोचा कि चलो आज ब्लश से ही कर लेते हैं, तो थोड़ा सा जस्ट मिस्टेक यहाँ पे हुई कि अंडर कॉर्नर ऑफ द आई पे मेरा जो आई शेडो है वो रह गया एंड वो मुझे पूछना एक्चुअली मैं भूल गई, बिकॉज आई डोंट नो मुझे दिखा नहीं, मुझे अभी दिख रहा है एक्चुअली मैंने उस टाइम मैंने किया एंड मैंने तुरंत धो दिया, सो बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर, तो मैं इतना मेकअप तो लेके नहीं जाऊँगी। ओके, सो इसके बाद मैंने लगाया है ग्रीन कलर का लाइनर, बिकॉज मेरी ड्रेस जो है वो येलो ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन में है, तो मैंने ग्रीन आई लाइनर लगाया है, हाइपर कर्ल मस्कारा मेबेलिन का वो अप्लाई किया है
एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज़ टेक वर्क की बैडास काजल जो है वो मैंने अप्लाई कर लिया है अपने लोअर वाटर लाइन पे। अपर वाटर लाइन पे मैंने जानबूझ के नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी मैंने लाइनर लगा लिया था और इसके लिए मुझे थोड़ा सा वो ब्लैकिश इफेक्ट आ जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। इसके बाद स्विस ब्यूटी की ये जो रेडिश पिंकिश कलर की लिपस्टिक है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाता है मेकअप कंप्लीट। एंड यहाँ पे अभी इयररिंग्स वगैरह पहन के बिंदी लगा के एवरीथिंग विल बी रेडी। तो अभी आप देख सकते हैं द होल सिंपल मेकअप लुक इज़ कंप्लीटेड। बट यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने बिंदी ही नहीं लगाई है तो मैंने फिर बिंदी ली एंड बिंदी लगाई बिकॉज ट्रेडिशनल फंक्शन है, रक्षाबंधन इज़ अ ट्रेडिशनल वन, तो बिंदी तो चाहिए ही चाहिए, तो बिंदी लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, यहीं पे हमारा होता है लुक कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।